साथ ही पकड़ अपने फैमिली को मिलने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आए थे, बहुत आए थे, लेकिन अभी अपने अपने गाड़ी में लेके मतलब अपने अपने घर चले गए। मैं एक्चुअल में अफगानिस्तान काबुल से आया हूँ। मेरा घर इधर दार्जिलिंग में है, गेल टी स्टेट, ठीक है। और पूछे क्या है, काबुल से कब लौटे जी? काबुल से कब लौटे? काबुल से हम कल सुबह के फ्लाइट में हमारे एयरफोर्स के जो भी अपना जहाज थे उनमें 8:30 में हम दिल्ली पहुंच गए थे। ला दिया, कम से कम हमारे को 7-8 घंटे का वो था, टाइम लग गया। इसमें आ गए, फिलहाल परिस्थिति क्या, मतलब क्या हाल है? मैं परिस्थिति बिल्कुल वहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे जो भी पब्लिक है, पब्लिक के रास के वजह से बहुत प्रॉब्लम है। और वहाँ के आपको न्यूज़ में तो दिखाई रहा है वहाँ का कैसा हाल है ना, उसी परिस्थिति हमारे को क्या है। एक ना है हमारे को सरकार ने बहुत, आपका एक्सपीरियंस क्या बोल रहे हैं? हाँ, सरकार ने बहुत हमारे को मदद की, बहुत अच्छा वो किया। और साथ साथ हमारे जितना भी एयरफोर्स के जो भी वो हमारे को एवेकेट किया, लेकिन सरकार ने हमारे ठीक टाइम पे एवेकेट किया। नहीं एक दो दिन और रुक जाता बहुत प्रॉब्लम हो जाता, हम भोगे मर जाना था, ठीक है। इतना ही है, हम यहाँ पहुँच गए, बहुत बहुत धन्यवाद। एयरलिफ्ट तो हमारे को बाई एयर्स हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के थ्रू आ गए हम, ठीक है। उसके बाद आधा को दूसरे कंट्री करके भी भाई कजाकिस्तान करके भी दूसरे पार्टी भी आया था, वो भाई कजाकिस्तान होके आया, ठीक है। लेकिन हम एयरफोर्स के माध्यम से हम हमारे को दिल्ली पहुंचाया गया, बहुत अच्छा हमारे को मदद की। इतने हम सारे सरकार और एयरफोर्स के और हमारे मीडिया भाई लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। घटना हमारे इंडियन उसको कोई वो नहीं है, वहाँ पे जो उनके अभी सरकार सत्ता में आने के लिए उन्होंने थोड़ा सा आर्म्स उठाया हुआ है, ठीक है। तो पब्लिक डरे हुए है वहाँ का पब्लिक डरे हुए, भागना चाहते हैं, वो देश निकल के छोड़ के जाना चाहता है, उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। इतना है, वो रश की वजह से हमें भी प्रॉब्लम वहाँ से निकलना। हमारा 16 तारीख का टिकट बुक था, ठीक है ना, तो वहाँ पे लैंडिंग हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे इतना रनवे में इतना रस्ट है, तो हमारे लैंडिंग हो नहीं पाया। वो टिकट का पैसे भी हमें वापस नहीं मिला, एयर इंडिया का बता दीजिएगा, 11,000 हमें अभी तक वापस नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी बात थोड़ा सा तो तालिबान तालिबान से अभी हमें किस तरीके से इवेकेट किया वो तो आप लोग, मैं थोड़ा सेक्रेट नहीं बता पाऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सरकार ने जो भी अभी भी फंसा हुआ है वहाँ पे कुछ भारतीय, तो उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से हमारे को एवेकेट किया वो हम थोड़ा सेक्रेट रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी भी हम नहीं बता पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमने जितना भी हमारे कोऑर्डिनेटर था उसको हिसाब से हमने वहाँ 200 अबव था, वो 2 ट्रिप्स करके ला चुका है। और भी कई जगह पे जहाँ पे अभी स्टॉप है वो डरावना तो होगा, ये जो अपने हथियार लेके चलेगा तो डरावना होगा। वो फायरिंग हो रहा है इधर उधर, फायरिंग हो रहा है, चाहे कैसे भी वो फायरिंग कर रहा है, चाहे हवा में फायरिंग करे, वो किसी को भी लग सकता है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो डरावना तो है ही है, माहौल डरावना है, वहाँ पब्लिक डरे हुए है। हमारे हम तो दूसरे घंटे के थे, हम तो डरना ही चाहिए, ठीक है ना। किशनगंज